हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मेरे भाई का है बर्थडे और हम उसके लिए लेने जा रहे हैं मार्केट अब गिफ्ट्स। और मैं बहुत जल्दी ही बोल रही क्योंकि हम बहुत लेट हो रहे हैं। तो ज़्यादा इंट्रो शूट नहीं करूँगी, आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल एक्सप्रेस आपको सब्सक्राइब कमेंट और शेयर। चलो चलते हैं। बहुत जल्दी इंट्रो दे दिया था और अभी हम जा रहे हैं बेकरी शॉप केक ऑर्डर करने के लिए। और बाकी पहले हम गिफ्ट लेने गए थे स्पेशली और अभी हम जा रहे हैं बेकरी। और बस अभी देखते जाएंगे आएंगे। मैंने प्लान किया कि मैं मिडनाइट सेलिब्रेशन भी करूँगी, बट देखते हैं वो उठेगा नहीं शायद। अब जो होगा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। आई नो बैकग्राउंड वाइज आ गई क्योंकि बाहर वो लोग डांस कर रहे हैं। सॉरी गाइस, तब चलते हैं बिक्री। लेट्स गो। तो गाइस बहुत थक गए, मैं बेकरी से आ गई हूँ, हैंड वॉश कर लिए। और मिडनाइट सेलिब्रेशन नहीं होगा क्योंकि उसने मना कर दिया, वो रात को नहीं उठेगा और वो उठ जाएगा तो वो सोएगा नहीं फिर, इसीलिए हम नहीं कर रहे हैं। वरना वो पूरी रात सोएगा नहीं, वो फिर सबको परेशान भी करेगा, इसलिए नहीं। वरना मैंने इतने सारे प्लानिंग कर रही थी। लेट मी शो यू समथिंग, वेट। मैंने ऐसी बहुत सारी चॉकलेट्स ला के रखी थी केक को डेकोरेट करने के लिए, व्हिपिंग क्रीम ला के रखी थी बिकॉज आई वांट ट्राई दैट केक विद व्हिपिंग क्रीम, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा है मिडनाइट सेलिब्रेशन। आई नो बहुत शोर आ रहा है, पागलों से डांस करे जा रहे हैं, तो बस मस्ती करते जा। ख्याल से गाइस दैट नाइट नाइट को क्या मिलेंगे यार, देखेंगे। पर मोस्टली प्रोबेबली नहीं हो सकता, वरना वो उठ जाएगा और फिर सोएगा ही नहीं। वो मेरे बर्थडे भी हुआ था, वो सोया ही नहीं था बहुत बुरी तरीके से। टेंशन देना, वो किस टाइप की वीडियोस चाहिए तो जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी 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 कमेंट करो। तो ये मैं सो रही हूँ और मेरी मम्मा ने ब्लॉक कर दिया। जैसे कि मैंने बताया मैंने ब्लॉक कर लिया था एंड मैं बोल रही थी, तो मैं वो सीन डालना नहीं चाहती क्योंकि आई नो मैं बहुत अजीब लग रही थी होते, तो इसलिए मैंने कट कर दिया। तो आप अभी इसी गुड मॉर्निंग की आइकन को ही देख लो कि वो मैं डाइन डाल सकती थी। आप लोग बहुत हंसते एंड मुझे बहुत शर्म आ रही थी इसलिए। तो गाइस मैं यहाँ पे आके ट्यूशन से मैं रेडी हो गया। मैं भी सो गाइस अब बार जाती है डेकोरेशन की, और इस पर डेकोरेशन के लिए मैं एक न्यू टाइप के बलून्स यूज़ कर रही हूँ। तो अभी डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं। इस बार मैं यूज़ कर रही हूँ क्रोम बलून्स। आई नो थोड़ा मेस होगा क्योंकि डेकोरेशन करते वक्त बहुत गंदगी हो ही जाती है, तो प्लीज़ बेयर विद दैट। तो अभी मैं क्रोम बलून्स यूज़ कर रही हूँ एंड मैंने एक पंप ऑर्डर करता हूँ, अभी तक नहीं आया, मैं इसलिए वेट कर रही हूँ उस पंप का। और उस मार्केट से आके बहुत ज़्यादा थक गई उसे, इसलिए मैं। और अभी हम डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं और अभी चलो करते हैं डेकोरेशन, क्योंकि अभी बज रहे 3:05 और मैं अपना सामान निकाल लेती हूँ डेकोरेशन का। जी मैंने इस बार भी सोचा है, जब मैंने एक डिफरेंट टाइप के बलून्स ट्राई करे, मैं इस बार ट्राई करी हूँ क्रोम बलून्स, वो मैंने कभी ट्राई नहीं करे एक्चुअली। ये एक ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट और अंदर सिल्वर है एंड कितनी तेज आवाज़ कर रहे हो वीडियो शूट। ये है गोल्डन। तो अगर मेरा ये डेकोरेशन ऐसा थोड़ा डिफरेंट ट्राई कर रही हूँ मैं, आई होप कि अच्छा हो जाए। एंड भाई अब चल पड़ो, बहुत लेट हो गया, बोलने का टाइम नहीं रहेगा। आप सिर्फ देख लेना मैंने डेकोरेशन कैसे करी, वो बोलने का टाइम बिल्कुल नहीं है, सॉरी गाइज। तो गाइस मैंने एक न्यू टाइप के बलून ट्राई करे और टेप, और ये टेप लाइट बहुत डिम थी इसलिए मैंने लाइट दोबारा ऑन कर ली। तो इस टेप में सिर्फ आपका बलून स्टक करने होते हैं, जो बंच है वो बन जाएगा बहुत इजीली। तो ऑप्शन करते वक्त बहुत गंदगी हो ही जाती है, तो प्लीज़ बेयर विद डैट। तो अभी मैं क्रोम बलून्स यूज़ कर रही हूँ एंड मैंने एक पंप ऑर्डर करता हूँ, अभी तक नहीं आया, मैं इसलिए वेट कर रही हूँ उस पंप का। और उस मार्केट से आके बहुत ज़्यादा थक गई उसे, इसलिए मैं। और अभी हम डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं और अभी चलो करते हैं डेकोरेशन, क्योंकि अभी बज रहे 3:05 और मैं अपना सामान निकाल लेती हूँ डेकोरेशन का। जी मैंने इस बार भी सोचा है, जब मैंने एक डिफरेंट टाइप के बलून्स ट्राई करे, मैं इस बार ट्राई करी हूँ क्रोम बलून्स, वो मैंने कभी ट्राई नहीं करे एक्चुअली। ये एक ट्रांसपेरेंट है,
ट्रांसपेरेंट और अंदर सिल्वर है। एंड कितनी तेज आवाज कर रहे हो, वीडियो शूट। ये है गोल्डन। तो अगर मेरा ये डेकोरेशन है तो थोड़ा डिफरेंट ट्राई कर रही हूँ मैं। आई होप कि अच्छा हो जाए। एंड भैया चल पड़ो, बहुत लेट हो गया, बोलने का टाइम नहीं रहेगा। आप सिर्फ देख लेना मैंने डेकोरेशन कैसे करी, वो बोलने का टाइम बिल्कुल नहीं है, सॉरी गाइज। तो गाइस मैंने एक न्यू टाइप के बलून ट्राई करे और टेप, और ये टेप लाइट बहुत डिम थी इसलिए मैंने लाइट दोबारा ऑन कर ली। तो इस टेप में सिर्फ आपका बलून स्टक करने होते हैं और जो बंच है वो बन जाएगा बहुत इजीली। तो आपको ये टेप ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, आई नो बहुत ज़्यादा मैस होगा। वीडियो शूट भी कर रही हूँ मैं और फिर ये डेकोरेशन भी, तो थोड़ा मैस बहुत ज़्यादा हो गया लेकिन आप बंच देखेंगे वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बन के आया है। और मैंने पीछे भी डेकोरेशन करी थी, मैंने वो बाई चांस स्क्रिप्ट डिलीट होगी, पता नहीं क्या हुआ, मैस बहुत दिख रहा होगा, आई नो। और ये बंच बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है मेरे को, तो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। एक बार मैंने एक और सेलिब्रेशन करा था, वो पता नहीं मैंने डिलीट हो गया या क्या हुआ, वो मुझे मिला ही नहीं। तो अब बच मुझे बंच बहुत क्यूट लगा, उसके साइड के बलून्स देखे कितने प्यारे लग रहे थे। और मेरी हेल्प करने के लिए मेरा भाई आ गया था क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी, और एक हैप्पी बर्थडे का बैनर था वो मिल ही नहीं रहा था, और मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया इसलिए मैं रुक रही हूँ। ये डेकोरेशन है थोड़ा डिफरेंट ट्राई कर रही हूँ मैं, आई होप कि अच्छा हो जाए। एंड भैया चल पड़ो, बहुत लेट हो गया, बोलने का टाइम नहीं रहेगा। आप सिर्फ देख लेना मैंने डेकोरेशन कैसे करी, वो बोलने का टाइम बिल्कुल नहीं, सॉरी गाइज। तो गाइस मैंने एक न्यू टाइप के बलून ट्राई करे और टेप, और ये टेप लाइट बहुत डिम थी इसलिए मैंने लाइट दोबारा ऑन कर ली। तो इस टेप में सिर्फ आपका बलून स्टक करने होते हैं और जो बंच है वो बन जाएगा बहुत इजीली। तो आपको ये टेप ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, आई नो बहुत ज़्यादा मैस होगा। वीडियो शूट भी कर रही हूँ मैं और फिर ये डेकोरेशन भी, तो थोड़ा मैस बहुत ज़्यादा हो गया लेकिन आप बंच देखेंगे वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बन के आया है। और मैंने पीछे भी डेकोरेशन करी थी, मैंने वो बाई चांस स्क्रिप्ट डिलीट होगी, पता नहीं क्या हुआ, मैस बहुत दिख रहा होगा, आई नो। और ये बंच बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है मेरे को, तो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। एक बार मैंने एक और सेलिब्रेशन करा था, वो पता नहीं मैंने डिलीट हो गया या क्या हुआ, वो मुझे मिला ही नहीं। तो अब बच मुझे बंच बहुत क्यूट लगा, उसके साइड के बलून्स देखे कितने प्यारे लग रहे थे। और मेरी हेल्प करने के लिए मेरा भाई आ गया था क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी, और एक हैप्पी बर्थडे का बैनर था वो मिल ही नहीं रहा था, और मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया इसलिए मैं रुक रही हूँ। लेकिन मैं नहीं कर सकती, मैं बहुत थक गई हूँ। हे गाइस मैं रेडी हो गया, एंड बहुत सिंपल सा मैंने कैजुअल सा आउटफिट पहना है, एंड मैं पूरा दिखाऊंगी अभी आपको विद माय दीज स्निकर्स बेल्ट स्निकर्स। एंड मैं रेडी हो गई हूँ और अभी चलते हैं। मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, सिंपल ही बाल बनाए, कपड़े पहनाए, जान बिकॉज यू नो नेचुरल ब्यूटी ऑलवेज वर्क, सॉरी इसी बोल दिया मैंने। तो खैर अभी हम सब रेडी होएंगे केक कट करने के बाद, गेम्स और फिर गिफ्ट्स। तो मैं पूरा आउटफिट दिखाती हूँ अभी आपको। हे गाइस तो आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ यहीं पे, आप मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग से। और हे इज द बर्थडे बॉय, ही इज़ गोइंग टू स्लीप राइट नाउ। एंड अब इस वीडियो को प्लीज़ ढेर सारा प्यार देना, लाइक करना, चैनल एक्सप्रेस आपको सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर। और अभी आपको आवाज़ आ रही है क्योंकि अपनी न्यू रिमोट कंट्रोल कार से खेल रहा था। और आपको सेवन गिफ्ट्स कैसे लगे? सेवन न्यू ईयर फोर हुए हैं। हाँ अभी आपको सेवन और मिलेंगे, मैंने सेवन दे दिया, एक और सेवन देगी कोई और मेरी बहन देगी, तो आपस तो 14 गिफ्ट्स हो जाएंगे। 14 मेरे को तो कभी 14 नहीं मिले, बहन देना 14 से तो ज्यादा मिलते हैं। कितने से ज्यादा मिलते हैं मुझे? 14 से 15 मिल जाते होंगे, 15 से ज्यादा थोड़ी मिलते होंगे, 15 से ज्यादा थोड़ी मिलते होंगे।